सो गाइस, इसके बाद मुझे बाइक सर्विस करने के बाद मुझे एक लॉन्ग राइड भी प्रिपेयर करनी है, तो उससे पहले बाइक सर्विसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि राइड पर कुछ ऐसा वैसा हो जाए और मैं फंस जाऊँ, तो इससे पहले सर्विसिंग कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे टोटल बॉडी सब इसका जो कुछ भी काम है, बड़ा बड़ा काम तो नहीं कर सकता लेकिन छोटे छोटे काम जो मेन मेन काम है वही कराना है मुझे सबसे पहले। अगर आप टोटल बॉडी हर 15,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर में आप अपना थ्रोटल बॉडी क्लीन किया करो, इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है बाइक में। Hey guys, good morning, welcome back to the channel. This is Rahul. और होप है कि आप भी मेरी तरह बड़े होंगे और गाइज बड़े हैं। सो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक को सर्विसिंग कराने, अपने KTM Duke Lightning को सर्विसिंग कराने। तो देखते हो इसमें क्या क्या खर्चा निकलता है। तो एक्चुअली बेसिकली मुझे सर्विसिंग कराना है लेकिन पता नहीं अभी इसमें क्या क्या खर्चा निकलता है। बहुत टाइम हो गया इसको मैंने सर्विसिंग नहीं कराया, तो चले गाइज अब इसको ले चलते सर्विसिंग कराने। तो चलो गाइज अभी ले चलते सर्विस सेंटर। एक्चुअली मैंने ट्राई करा था कि एयर फिल्टर चेक करूँ कि कितना गंदा हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा तामझाम था। और जिस टाइम पे मुझे बोला था भैया ने 10:30 बजे, अभी 11:15 हो रहे तो लेट हो जाएगा, तो बोला चलो वहीं पे जाके चेक करते हैं कि एयर फिल्टर चेंज करवाना पड़ेगा या नहीं। तो चलिए अभी निकलते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ से लगभग कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, तो चलिए अभी। तो गाइज, इसके बाद मुझे बाइक सर्विस करने के बाद मुझे एक लॉन्ग राइड भी प्रिपेयर करनी है, तो उससे पहले बाइक सर्विसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि राइड पर कुछ ऐसा वैसा हो जाए और मैं फंस जाऊँ, तो इससे पहले सर्विसिंग कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे टोटल बॉडी सब इसका जो कुछ भी काम है, बड़ा बड़ा काम तो नहीं कर सकता लेकिन छोटे छोटे काम जो मेन मेन काम है वही कराना है मुझे सबसे पहले, फिर बाद में देखते हैं कि उसका और कस्टमाइज़ क्या कर सकते हैं, तो जरूरी है गाइज। तो गाइज, भाई के पास मैंने बाइक ला लिया है और ये रही मेरी बाइक, ये रही। तो अभी इसका सर्विसिंग का काम करा रहे हैं, लगभग 4 से 5 घंटा लगेगा इसके सर्विसिंग के लिए। तो अभी चलते, तो गाइज चले अभी निकलते घर के लिए क्योंकि उसको बहुत टाइम लगेगा, फिर बाद में आते और आपको इसके डिटेलिंग देते कि मैंने क्या क्या करवाया इस बाइक में। तो चले अभी निकलते घर। हेलो गाइस, गाड़ी डाल के मैं आ गया और उसको बनने में अभी 4 से 5 घंटा लगेगा। सो अभी फटाफट खाना, सो गाइस अभी खाना वाना खाते फिर बाद में देखते हैं गाइस क्या करना है। तो गाड़ी का बहुत सारा काम निकल चुका है और खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, तो अपनी जेब थोड़ी खाली होने वाली है। तो चलो कोई ना, गाड़ी खुश तो अपन खुश। सो अभी खाना वाना खाते फिर बाद में देखते गाइस क्या करना है। सो गाइस, बाइक का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बाइक का कॉल आ गया था तो उसने कहा कि भाई बाइक की बाइक रेडी हो चुकी है, आप आ जाओ। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाइक को लेने, आज़ाद को मैंने कॉल कर दिया था, तो अभी आज़ाद मुझे सामने से पिक करेगा, फिर हम दोनों जाएंगे बाइक को लेने और देखते हैं क्योंकि बाइक का परफॉर्मेंस बढ़ा या नहीं और कितना कॉस्ट हुआ तो पता नहीं, चलो देखते हैं अभी। तो भाई, आज़ाद को मैंने बुला लिया था तो आज़ाद आ गया और काफ़ी दिनों बाद आपने इसको देखा होगा मेरे वीडियो पर, और बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो डाला नहीं। अभी चलो गाइस, अभी जाते हैं बाइक को लेने, देखते हैं कि बाइक दौड़ती है या चलती है। चलो जाते अभी बाइक को लेने। तो गाइज, बाइक सर्विसिंग पार्ट डन, भी बाइक में हवा वगैरह भरवाते और चला के देखते बाइक का परफॉर्मेंस बढ़ा है या नहीं। तो ये रही अपनी बाइक, अब इसको लेके चलते और चला के देखते कि बाइक हो, बाइक का परफॉर्मेंस बढ़ा है या नहीं। हेलमेट घालून केला असता अजून बरं झालं।
ओके गाइस, बॉडी बाइक सर्विसिंग का काम डन और बहुत अच्छी चल रही है अभी बाइक। एक टेस्ट ड्राइव लेके भी आया मैं और मैंने एक्चुअली इसमें थ्रोटल बॉडी का काम करा है, तो इसके वजह से बाइक का जो पिकअप है, बाइक का परफॉर्मेंस है, और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अच्छा लग रहा है बाइक चलाने के लिए, क्योंकि जो पिकअप मुझे मिल रहा है स्टार्टिंग में, जो पिकअप इसका है तो बढ़ गया है पहले से, तो बहुत अच्छा काम करा है भाई ने। तो चलिए अभी इसकी राइड लेते और देखते गाइस कि कैसा लगता है। सो गाइस, बाइक इतनी मक्खन चल रही, इतनी स्मूथ चल रही है, ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर लॉन्ग राइड पे निकल जाऊँ। लेकिन गाइस अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी शाम का टाइम है और बहुत ही जल्द मैं लॉन्ग राइड एक प्लान करने वाला हूँ, तो देखते रहिए गाइस। जो लोग इस चैनल पर नए, तो गाइस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके साथ से, आपसे, आपके प्यार से। और वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक भी कर दीजिए। अभी निकलते घर। हेलो जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, मैं बाइक सर्विसिंग करके आ गया था और बाइक का लगभग सर्विसिंग कॉस्ट गिरा 2500 रुपीस और बाइक एकदम मक्खन चल रही है सर्विसिंग करके। और जो कुछ भी मैंने काम किया है थ्रोटल बॉडी के, तो उसके वजह से बाइक का जो पिकअप है बहुत ही अच्छा हो गया है। ओके, तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने, अजिंक्य से मिलने। बहुत दिन हो गए उससे मिला नहीं हूँ, तो अभी उसको जाते हैं, उससे मिलते और आपको भी मिलवाते हैं गाइस। तो चलो अभी जाते हैं अजिंक्य से मिलने। हेलो गाइस, अभी मैं निकला हूँ अपने दोस्त के पास अजिंक्य से मिलने और बाइक की टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी कि बाइक कितनी अच्छी अभी चल रही है। तो पहले से ज़्यादा गाइस इसका जो पिकअप है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। और ये अभी कैसे समझेगा, जब हम ऑन द रोड मतलब हाईवे पे आते हैं ना, तब हमें समझता है कि भाई बाइक कितनी अच्छी चल रही है, क्योंकि सिटी में समझ में नहीं आता, बाइक प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं कर सकते। अभी ट्रैफिक भी है, शाम का टाइम है, तो मैं भी बाइक को ज़्यादा भगा नहीं पाऊँगा। लेकिन जितना भी मुझे अभी समझ में आ रहा है ना, बाइक में इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और वो किस बात से, बाकी ओवरऑल सर्विसिंग अपन करते हैं ना तो उससे हो ही जाता है, लेकिन अगर आप थ्रोटल बॉडी हर 15,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर में आप अपना थ्रोटल बॉडी क्लीन किया करो, इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है बाइक में। तो मैं एक सजेशन दूंगा, जो भी बाइक चलाते हैं, तो 15,000 या 20,000 किलोमीटर अगर आपकी बाइक चलती है ना, तो थ्रोटल बॉडी आप क्लीन करवा दिया करो, इससे बाइक का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो करवा लिया करो। तो गाइस अभी पहुंच गया अजिंक्य के रूम और मिलवाते गाइस आपको उससे। सो गाइस, दिस इज अजिंक्य और इसके रूम पर मैं पहुंच गया था लगभग आधे घंटे पहले। तो ये दिखाई दे रहे हो आप, चड्डी पहलवान, अभी तक नहाया नहीं गाइस ये। पानी बचाओ आंदोलन चल रहा है, तो इसकी वजह से नहा नहीं रहे। तो तभी तो सोचूं गाइस इतनी बास कहां से आ रही है। ची ची ची, अरे भाई पानी गर्म हो रहा है, पानी नहाने के लिए जाएगा मैं। सो गाइस अभी देखते हैं हमारा क्या प्लान बनता है। तो भाई अब नहा के आएंगे, फिर देखते हैं गाइस कि कहां जाना है और क्या प्लान करते हैं। तो चले गाइस, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस रूम से निकल के आए थे कुछ इस तरह की जगह पर और यहाँ पे बैठकर हम भाई बातें कर रहे हैं, गपशप लड़ा रहे हैं और सेकंड ईयर से हम दोनों साथ में हैं, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद हम दोनों टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये देखिए गाइस कुछ ऐसी जगह है। तो यहाँ पे बैठ के हम थोड़ी बातें करते हैं, तो इस वीडियो को ये पेंट करता हूँ। होप करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आता गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर इस चैनल पे नए तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज आपको देखने मिले। अभी के लिए टिल देन, बाय बाय।